सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल वर्ल्ड का, आर्क सुप्रीम का। सो गाइस, आर्क सुप्रीम का जो पिछला एपिसोड था उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने ये डेल्टा वाला बल्ब डॉग जो है ना गाइस, वो यहाँ पे फाइनली टेम कर लिया था। उसके बाद हम लोग ने हमारा ग्रीन हाउस का काम जो है गाइस वो कंप्लीट कर लिया था, उसको बिल्ड करके हो गया है। और अभी यहाँ पे ग्रीन हाउस में सीड वगैरह लगाना, फर्टिलाइज वगैरह डालना, वो सब कुछ गाइस यहाँ पे बाकी है। और अभी आज का ये वाला जो एपिसोड है ना, इस एपिसोड में गाइस हम लोग क्या करने वाले वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले गाइस, जो भी नए बंदे होंगे चैनल पे, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना गाइस। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको गेमिंग विद एनी के चैनल का, जिनके चैनल पे अलग अलग सीरीज जो है ना गाइस अपने आर्क की चालू है, तो उसको भी जरूर चेकआउट कर लेना गाइस। हमारा सुपर थैंक्स का ऑप्शन जो है गाइस वो भी अनलॉक है। अगर आप लोग चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड में जो थैंक्स का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको आर्क पीसी, आर्क मोबाइल या किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर बनाने हैं तो नीचे निट्राडो का लिंक है, जिसके ऊपर क्लिक करके आप लोग किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर आसानी से बना सकते हो। तो जरूर चेकआउट कर लेना गाइस निट्राडो सर्वर को, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। सो गाइस, अभी आज ना पहले तो मुझे ग्रीन हाउस का काम कंप्लीट करना है, बट उससे पहले मुझे भाई टेलीपोर्टर वगैरह वो सारी चीज़ें बना लेनी है। लकीली गाइस यहाँ पे टेलीपोर्टर भाई और वो दूसरी चीज़ें सारी बनाने के लिए हमारे पास जो है ना गाइस यहाँ पे भाई शायद से इलेक्ट्रॉनिक आ गए ना। हाँ गाइज, 200 इलेक्ट्रॉनिक बन चुके हैं, इससे भाई हम लोग टेलीपोर्टर रिमोट वो सारी चीज़ें बना सकते हैं। ये बन गया टेलीपोर्टर, ये बन गया टेलीपोर्टर रिमोट, और ये बन गई गाइज यहाँ पे सोल गन, ठीक है। और ये बन गई गाइज थोड़ी सी सोल बॉल्स, और थोड़ी सी सोल बॉल्स, और थोड़ी सी सोल बॉल्स, ठीक है। चलो काम 25 है भाई लोग, फाइनली हमारे पास जो है ना गाइज यहाँ पे सारे के सारे बेसिक से जो इक्विपमेंट्स है ना गाइज वो आ चुके हैं। अभी इसको मैं यहाँ पे लगा के इसको नाम दे देता हूँ गाइज होम। और अभी फटाफट से मुझे क्या करना है पता है, फार्म अगर मुझे कंप्लीट करना है तो फार्म के अंदर सीड बीड लगाना है, और सीड इकट्ठा करने के लिए मुझे एक ट्राइक टेम करना है। और मैंने डेल्टा वाला एक ट्राइक देखा हुआ है, उसी को मैं पकड़ के लेके आने वाला हूँ अभी भाई, ठीक है। ट्राइक डेल्टा वाला, उसका सैडल बनाने के लिए अपने पास रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, एंड डेल्टा वाला केबल बनाने के लिए भी, यस अपने पास रिसोर्सेज है भाई, ठीक है। चलो गाइस, मीट भाई थोड़ा सा ऊपर कुक करने के लिए डालता हूँ, और जो अपना बेब डॉग है ना उसी को लेके जाऊँगा मैं गाइस, ठीक है। मेरे को यहाँ पे मीट कुक करने के लिए डाल दे भाई, दब्बा आके यहाँ पे भी भाई मीट जो है गाइस वो कुक करने के लिए डाल देता हूँ मैं, ऑल राइट। एंड ब्लड गाइस, जो मेरे पास ब्लड है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है गाइस इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ब्लड रखने के लिए हम लोग ने यहाँ पे एक वो भी बना रखा है भाई, ठीक है। इसके अंदर मैं ब्लड डाल देता हूँ सारा का सारा, ठीक है। चलो हमने 8 पड़ी, मतलब 8 किबल और मैं बना सकता हूँ। अभी तो मैं भाई यहाँ पे अपने प्यारे प्यारे से बल्ब डॉग को लेके जा रहा हूँ, और जाके कैसे हम लोग एक ट्राइक को पकड़ के लाते हैं, ठीक है। और ट्राइक के जो है ना कैसे अंदर हम लोग को बहुत सारी बेरीज भी भर के लानी है, ताकि हम लोग जो है ना कैसे हमारे फार्म का काम भी कंप्लीट कर सके। बेरी नहीं, सीड एक्चुअली में। चलो पानी के रास्ते से जाएंगे, क्योंकि पानी का रास्ता थोड़ा सा सेफ भी है और तेज भी है। हमारा बल्ब डॉग जो है ना पानी में बहुत ही ज़्यादा तेजी से जो है ना यहाँ पे चल सकता है भाई। म्यूजिक अच्छा, ये टर्टल बॉस है इसलिए म्यूजिक बज रही है, ठीक है। रुको, मैंने यहाँ पे ना गाइज एक ट्राइक देखा है, मैंने एक प्यारा सा ट्राइक वो रहा भाई ऊपर, वो रहा ऊपर ट्राइक भाई। मैं इसके ऊपर क्या भाई चीज़ें इस्तेमाल कर सकता हूँ, रुको भाई थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा, कोई मेरा पीछे ना पड़ जाए बस। अरे यार, हाँ भाई चुरा लो, आओ चुरा भाई, चुरा लो भेज गया। और क्या काम है तुम लोग को, चोर कही क्या भाई, चुराने के लिए आए थे, मैंने मार ही डाला इनको। हाँ भाई क्या रे चोरों का बच्चा, तुम तो जब कैम नहीं है क्या, उई उई करके आ जाते पीछे। इसको एक बार पट्टे से चोर मार, हो जाए बेहोश, नहीं हुआ बाप रे, तो बेहोश ही नहीं हुआ भाई। 1,00,000 तौर पर यार इसका, उसके बाद फ्री बर्ड में मार खाने के लिए आया क्या रे। ना भाई तेरे को मारा मैंने, अल्फा अल्फा है ना तू, अल्फा है ना, तेरे को कुछ उंगली करा सुनी, रुको भाई बिन बुलाया मेहमान इधर आ भाई, ना जान ना पहचान फोकट में मारने के लिए आ गया भाई, पेल डाला गाइस। मैंने उसको उंगली भी नहीं कर रहा था भाई, लाड़ में मारने के लिए आ रहा था, दे दिया फिर डोज मैंने। चलो बल्डा को क्राइव करने दो, इसके अंदर हम लोग फटाफट से भाई यहाँ पे किबल डालेंगे, एफएम के पोशन, ये हो गया टेम। चल अरे यार, अरे मेरी फूडी किस्मत है, आ रहा हूँ लेके, रुक जा
भाई दो की बल चाहिए इसके लिए भाई, 700 लेवल का है भाई, दो की बल चाहिए बोल रहा है। रुको गाइस, दो की बल लेके जा रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे भाई। क्या यार, मैंने देखा भी नहीं। टेमिंग इफेक्टिवनेस थोड़ी उसकी कम हो जाएगी, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो फटाफट से लास्ट लोकेशन पे टीपी मारता हूँ एंड उस डेल्टा वाले ट्राई को टेम करके उसके अंदर बेरी भर भर के हम लोग अपने घर पे लेके आएंगे, ताकि हम लोग हमारे फार्म का काम कंप्लीट कर सके। ले हो जाए टेम, चल हो गया टेम। ये ले सैडल पहन लिया, सैडल पहन लिया, सैडल हाँ लेट्स गो ब्रो। सीधा काम पे लग जाने का रे बाबा, सीधा काम पे लग जाने का। एफएम के पोजीशन, ताकि इसकी लेवल पा सके जल्दी जल्दी। इसके हेल्थ में पॉइंट डाल देता हूँ, ताकि कोई भी आंटू पॉइंट आके इसको मार के ना चला जाएगा इस, ठीक है। इसके वेट में पॉइंट जाएंगे, इसके मिली डैमेज में दबा के पॉइंट, उसके बाद इसके मूवमेंट स्पीड में पॉइंट, ताकि एकदम तेजी से दौड़ सके। चला जा, नाइस। सीड्स मिल भाई, सीड्स दबा के दे रहा है भाई। खाली सीड्स ही जमा कर रहा है क्या भाई? सीड देखना कितने, 1,000 सीड जमा करी है इसने। अबे तू सीड जमा करने वाला डायनो है क्या? गलती से लग गया यार, तेरे को भाग क्यों रहा है? अबे यार बम, अरे बम, चिकी चिकी बम बम बोल रहे यार ये पेगो लोग। अरे भाई इसके लगने वाले मेरे। नीचे उतरना था मैं तो, आना नीचे, आना अबे, आना नीचे। क्यों भाई डर गया? तब तेरी बेस क्या भाई, सामान भी चुरा के लेके जा रहा है ऐसे के तो ने भाई। भाई ये ओवर हो गया बेटा, ये ओवर हो गया ना भाई, ना ये ओवर हो गया, ये ओवर हो गया भाई। ये नहीं करना था तेरे को, ये बिल्कुल नहीं करना था। रुको हाँ बेटा, भाई तूने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी अपनी ज़िंदगी की। बस मर गया लाड में भाई, हर एक चीज का तोड़ भी तुम्हारे भाई के पास है। चलो आ जाओ राइक अंकल, आप अपना काम कीजिए, बेरीज दीजिए मुझे दबा के बेरीज और दबा के सीड। सीड तो भाई ऐसा दे रहा है ना यार, कचरे के माफिक सीड मिल रहे हैं। चलो मेरे हिसाब से इतनी सीड तो मोर देन इनफ होनी चाहिए, ठीक है। चलो अभी चुपचाप भाई अपने घर पे चलता हूँ मैं। बारिश आ गई क्या? लग तो रहेगा इस बारिश आ गई करके। हाँ गाइस बारिश तो आ गई यहाँ पे, ओके बारिश तो आ गई है। इसको यहाँ पे रख दे, इसके अंदर बेरीज भी इकट्ठा हो चुकी है और बहुत ज़्यादा सीड भी इकट्ठा हो चुकी है। 7-7 8-8 5,000 सीड इकट्ठा हुई है भाई। मजाक हो रहा है क्या? खतरनाक गाइस है। बाकी डेल्टा ट्राइक ना दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा कूल है, देखना है कि नहीं गाइस, काफ़ी कूल है। चलो अब एक काम कर लेता हूँ, बारिश जाने तो उसके बाद हमारा भाई आगे का जो काम है ना गाइस, वो हम लोग चालू कर देंगे। अरे यार मैं इसको अनफॉलो नहीं कर सकता भाई, आई कांट अनफॉलो हिम। जिसको क्रायो करके वापस बाहर निकालना पड़ेगा और जो सामान है वापस इसके इन्वेंटर में डालना पड़ेगा, क्योंकि गाइस ये सर्वर थोड़ा सा ग्लिची ग्लिची है, इसलिए ना इसी प्रॉब्लम हम लोग को फेस करनी पड़ रही है। सीड वगैरह बेरीज वगैरह सारे मैं इसके अंदर वापस से डाल देता हूँ, ठीक है। चली गई ना सारी सीड, सारी सीड चली गई है ना। हाँ चलो रुको गाइस, बारिश जाने दो, उसके बाद फिर हम आगे का काम हमारा चालू कर देते। तब तक गाइस जब तक बारिश जा रही है तब तक लाइक कर दो, अगर नहीं करा होगा तो फटाफट से गाइस। A few moments later, बारिश गाइस जा चुकी है, अभी फटाफट से मैं जो है ना गाइस, अरे यार मुझे फर्टिलाइजर इकट्ठा करना पड़ेगा ना काफी ज्यादा। लकीली मुझे टॉयलेट बनाने की जरूरत नहीं है, टॉयलेट जो है ना हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर पानी की उस तरफ किनारे पे लगा हुआ है, ठीक है। ये टॉयलेट पिछले वाले मोहड़ का ही टॉयलेट है गाइस, ठीक है। तो इसके ऊपर बैठ के मैं जो है ना गाइस, रुको, अनलिमिटेड फर्टिलाइजर इकट्ठा कर सकता हूँ। ये दूसरे का टॉयलेट है भाई, फ्लश करने का तो ऑप्शन एटलीस्ट आ रहा है ना। हाँ फ्लश करने का तो ऑप्शन आ रहा है, मतलब भाई मैं फर्टिलाइजर तो एटलीस्ट इकट्ठा कर ही सकता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा। चलो अच्छी बात है गाइस, लेट्स गो। मैं भाई जितना भाई अपने इन्वेंटरी में फीड हो रहा है ना, उतना फर्टिलाइजर इकट्ठा कर लेता हूँ। रुको गाइस, ठीक है, जितना मेरे इन्वेंटरी में फीड होगा उतना इकट्ठा कर लूंगा मैं, मेरा ही है। लेकिन ये भाई दूसरा कोई आइडिया, क्योंकि भाई प्रिवेंट ऑफलाइन भाई डैमेज दिख रहा है, दिख रहे हो? इसका मतलब है कि ये मेरे किसी और आईडी से भाई मैंने बनाया था और यहाँ पे लगाया था, ठीक है, जो कि भाई मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पुराना वाला टॉयलेट लग रहा है मुझे तो। चलो कोई ना, फटाफट से मैं फर्टिलाइजर इकट्ठा कर लेता हूँ बहुत ज़्यादा। 3 days later, वाह भाई इन्वेंट्री फुल हो गई भाई हमारी,
बहुत ज्यादा गाइस यहाँ पे पॉटी करके फर्टिलाइजर इकट्ठा कर लिया हम लोग ने, लग रहा है। चलो आ जाओ भाई, भाई पूरी इन्वेंटरी फुल हो गई। वो नीचे देख रहे हो एक ओवरवेट का ब्लैक सिंबल आ रहा है, इसका मतलब मेरी पूरी इन्वेंटरी फुल हो चुकी है। चलो अच्छी बात है भाई, हम लोग भाई दबा के फर्टिलाइजर डालेंगे अभी यहाँ पे 9-10-10-12 ऐसा फर्टिलाइजर डालेंगे हर एक के अंदर भाई, ताकि कभी भी जो ना गाइस फर्टिलाइजर की ऐसा कमी ना हो भाई। ठीक है भाई, दबा के मैं यहाँ पे फर्टिलाइजर डाल देता हूँ, उसके बाद गाइस मुझे यहाँ पे सीड जो ना गाइस वो डाल देनी है। चलो गाइस ये काम जो ना थोड़ा सा बोरिंग काम है, तो इसके लिए फास्ट फॉरवर्ड मोड पे चलाता हूँ ये काम, और आप लोग जो ना गाइस ऐसा मजे से सुंदर से गाने के साथ यहाँ पे देखते रहिए कि हम लोग फार्म जो ना गाइस वो कैसे यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। But it's too late now, I remember you and me, and how careless we could yeah. be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us like a good. तो गाइस फार्म हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और ये जो आधा भाई यहाँ पे जगह छोड़ी है ना, ये हम लोग ने क्यों छोड़ी है वो आपको जैसे मॉड आगे बढ़ेगा वैसे गाइस पता चलते जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे पानी की कमी ना हो और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पानी की जो ना गाइस बिल्कुल भी कमी ना हो, बाकी तो और कोई सीन नहीं है। चलो सो गाइस फाइनली हमारा फार्म जो है गाइस वो बन के रेडी है, फर्टिलाइजर डाल दिया है, सीड्स हम लोग ने डाल दिए, और अभी हम लोग जो है ना गाइस यहाँ पे हमारा आगे का काम कर सकते हैं, जो कि है गाइस कुछ और खतरनाक से डेल्टा डायनोस को पकड़ना। आज तो गाइस मैं डेल्टा वाले डायनोस को ही खाली पकड़ूंगा, मैं डेल्टा वाले थोड़े से किबल बना लेता हूँ पहले तो गाइस। ठीक है, पता नहीं कितने किबल बनेंगे, बट ज़्यादा तो नहीं बनेंगे भाई, 3-4 बन रहे समथिंग, कुछ किबल 3 किबल बन गए, अच्छी बात है। चलो अभी फटाफट से मैं अपने डेल्टा पीडी को लेके जो ना गाइस निकल लेता हूँ एक्सप्लोरेशन के लिए, और देखते गाइस कि हम लोग को कौन कौन से डेल्टा वाले डायनोस मिलते हैं जिनको हम लोग टेम कर सके। ए डोडो दे शोडो टेम करूँ क्या? ट्राइक तो हम लोग ने कर लिया, ट्राइक नहीं करना है। वो संभल क्या वहाँ से ऊपर भाई, ऊपर वहाँ से तो वहाँ पर थोड़ा संभल के जाना है। ये कछुआ बिछुआ टेम नहीं करूँगा मैं, डेल्टा वाला ये जेर द बुआ, बुआ दे जेर, जेर बुआ टेम कर लूँ क्या? 450 लेवल है, 475 लेवल है। चलो गाइस एक जेरबुआ पकड़ लेते हैं डेल्टा वाला। ठीक है, एक डेल्टा वाला फट से जेरबुआ पकड़ेंगे, इसको गाइस एक किबल देंगे और फटाफट से टेम कर लेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया गाइस हमारा डेल्टा वाला जेरबुआ टेम, डन 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 डन। ओके अभी इस जेरबुआ के ऊपर बैठ के हम लोग आगे जाएंगे एक्सप्लोरेशन पे, और जो डायनो दिखेगा डेल्टा वाला खतरनाक सा उसका हम लोग पकड़ लेंगे गाइस। ठीक है, हमारे पास 2 किबल है भाई, ये देखो गाइस उल्टा पुल्टा हो के जो ना गाइस यहाँ पे हो जाए वापस से, देखो अरे 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 क्यूट तो है भाई, क्यूट तो है जेरबुआ। चलो वो भाई स्पीड है भाई जेरबुआ की काफ़ी तगड़ी वाली, देखना भाई स्पीड काफ़ी तेज है भाई, जंप भी लंबी लंबी ऊँची ऊँची मार रहा है, अच्छी बात है। चलो ये डेल्टा वाली शाइनोन है क्या? मुझे शाइनोन बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मिल गई तो मज़ा आ जाएगा। क्या अपेक्स वाली है यार? अपेक्स वाला किबल पता नहीं मैं बना पाऊंगा कि नहीं अभी फिलहाल के लिए तो। ठीक है, वे किसे चिल्ला रहा है भाई? चोमू रुको, यहाँ पे इट्स डेल्टा बल्बडॉग ना, ये अल्फा वाला है, डेल्टा वाला तो बल्बडॉग मेरे पास पड़ा हुआ है, मुझे और कोई डेल्टा वाले डायनोज चाहिए। अबे तो नॉर्मली डेल्टा डायनोज दिख रहे हैं, बोला बोलो जुबा केसरी ये पकड़ लूँ भाई, डिलोफोसोरस ही दिख रहा है, ट्राइक दिख रहा है भाई। डेल्टा वाले ज़्यादा खतरनाक डायनो शायद से इस वाले एरिया में नहीं है जहाँ पे अभी मैं घूम रहा हूँ, मे भी भाई खतरनाक से जो डेल्टा डायनोज है ना वो कहीं और मिलेंगे। ए पारासोरस, पारासोरस टेम कर लेते। चलो चलो ए लेवल बताओ, लेवल बताओ सर, पारासोरस की 250। चलो कोई ना, ये लो गाइस लेट्स गो, डेल्टा वाला अपने पास आ चुका है एक पारासोरस गाइस। ठीक है, संभल गया वो सामने जो भाई, हाँ वो भाग गया भाई, डिलोफोसोरस था ना प्राइम वाला था, वो मार सकता था हम लोग को। लेट्स गो बॉयज, हमारे पास एक डेल्टा वाला पैरासोरस भी आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ो, इनको भाई मैं ऐसे टाइम पास के लिए टेम कर रहा हूँ ताकि फिर बाद में भाई आप लोग ना बोले यार डेल्टा वाले कोई डायनो ही नहीं पकड़े, इसलिए मैं पकड़ रहा हूँ। भाई चूर भाई, इसको कंधे पे लेके घूमूंगा मैं, अभी तो नॉट टेमेबल है, हाथ थुई नहीं चाहिए रेंदो, नहीं चाहिए रेंदो भाई। बल्ब डॉग एक और है, ए गाइस एक काम कर लेता हूँ, मैं एक और बल्ब डॉग पकड़ता हूँ, पता है क्यों? रुको गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, रुको बल्ब डॉग है यहाँ पे आजू बाजू, ये वाला नहीं भाई, ये वाला नहीं, ये वाला कितने का है?
ये वाला लो लेवल है ना, ये वाला बताओ मेरे को, ये अभी साइड वाला भाई 275 वाला, और ये वाला 300 वाला। हाँ भाई 300 वाले को पकड़ ले। किधर है? उधर है क्या? कहाँ मारेगा? पक बे इसको, काट के रख दूंगा तेरे को मैं। चलो भाई ब्रिज क्रॉस करने दो मुझे, ठीक है भाई। देख रहे हो खतरों का खिलाड़ी बन रहा है तेरा भाई। चलो आ जाओ भाई, मैं जो ना गए अपना घर जो है ना गए, उसके दोनों साइड में दो बल्ब डॉग लगा के रख दूंगा भाई। वॉचमैन किधर हो? ठीक है हमारे घर को भाई गार्ड करेंगे वो बल्ब डॉग। ऑल राइट गाइज, अपने घर को गार्ड करने का काम करेंगे। फायर मशो आप थोड़ा बच के भाई, जंप देखना यार कितनी ऊंची ऊंची मार रहा भाई ये भाई, ऊंची ऊंची जंपे शंपे मार रहा है गाइज। बोले भाई चोरों का और कोई काम ही नहीं है क्या? बस बेच के आप। चलो जेर बॉस से हम लोग ने मजे कर लिए। वो डेटा वाले गाइज नॉर्मल डायनोज है, हाँ इसलिए जो ना कि जिन लोग के पास कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं किसी भी डेल्टा के पास, ठीक है। ओह माय गॉड, एक और गाइस प्यारा सा क्यूट सा जो ना गाइस बुलडॉग हमारे पास आ चुका है डेल्टा वाला, ठीक है। अभी इसको मैं क्रायो करता हूँ एंड हम लोग जो ना गाइस फटाफट से चलते हैं हमारे घर पे। ओके गाइस हमारे घर पे चलते हैं और हमारे जो बुलडॉग है ना उनको गाइस हम लोग यहाँ पे उनके काम पे लगा देते हैं। ओके वेट अ मिनट, पहले बंद कर ले, नाइस वन। एंड ए वो बल्ब डॉग कहाँ पे गया? अच्छा मैंने यहाँ से उसको हटा दिया था क्या शायद से, रुको यहाँ पे लगाओ इसको। यस गाइस ये इसका काम रहने वाला है हमारे घर को गार्ड करना, ठीक है। हमारे घर को गार्ड करने का काम हमारे दो दो प्यारे प्यारे से जो बल्ब डॉग्स है ना गाइस वो करेंगे, ठीक है। और थोड़ी सी रोशनी भी भाई यहाँ पे ग्रीन कलर की छोड़ रहे गाइस, ठीक है। ये रहे गाइस हमारे नए गार्ड, रुको इसको थोड़ा आगे कर ले, थोड़ा आगे आ जाओ, हाँ ना इसमें काफ़ी बढ़िया। चलो सो ये रह गए हमारे दो गार्ड। अबे यार तू हवा में काहे उड़ रहा है यार, व्हाई आर यू उड़िंग ऑन हवा? यहाँ पे जाने से हवा में उड़ रहा है भाई, अजीब सा पता नहीं क्यों। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये रह गए हमारे दो दो बल्ब डॉग गार्ड गए जो हमारे घर को गार्ड करेंगे। प्लस हम लोग ने गाइस यहाँ पे डेल्टा वाला जो ना गाइस एक ट्रैक भी पकड़ा है, उसके साथ साथ मैंने डेल्टा वाला जो है ना गाइस यहाँ पे एक पकड़ लिया पैरासोरस। क्यों पकड़ा है? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है यार, मैंने पकड़ लिया खाली गाइस, ठीक है। ये रहा हमारा डेल्टा वाला पैरासोरस और उसके साथ साथ हम लोग ने गाइस यहाँ पे एक डेल्टा वाला जो जेरबुआ है, क्यूट सा हमारा प्यारा सा जेरबुआ जो कि जमीन के अंदर जा चुका है, जिसकी जंप बहुत ही ज़्यादा ऊँची है, इस जेरबुआ को भी हम लोग ने गाइस यहाँ पे पकड़ा है, ठीक है। और भाई एक बल्ब डॉग पकड़ लिया, तो टोटल आज जो ना गाइस हम लोग ने डेल्टा वाले चार डायनोज पकड़े हैं। बट गाइस ये डायनोज जो ना गाइस वो अभी फिलहाल के लिए हमारे काम नहीं आएंगे, बस बेरी बेरी इकट्ठा करने के काम आएंगे। मैंने इन लोगों को गाइस ऐसे ही पकड़ा है। अगला जो हमारा एडवेंचर है ना वो काफ़ी खतरनाक होगा, क्योंकि अगले एपिसोड में हम लोग अल्फा वाले, रुको मुझे किबल बनाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है, मुझे बॉस फाइट लेनी पड़ेगी, मुझे बॉस फाइट लेनी पड़ेगी। और बॉस फाइट के लिए मुझे कोई पावरफुल डेल्टा डायनो पकड़ना पड़ेगा। मुझे लगाया था कि आगे बॉस फाइट आने वाली है। मुझे देखने दो गाइस कि डेल्टा वाले कौन से डायनो पाए जाते हैं यहाँ पे मैप पे। जेरबुआ भाई कुत्ते की मौत मरेगा यार, मजाक कर रहा हूँ, डोडो भी नहीं काम आएगा यार। डोडो और जेरबुआ कछुआ ना ना ईची डेल्टा वाला, अरे आतू भाई मधुमक्खी भाई ना ना भाई। डेल्टा ट्राइक ट्राइक एक टाइम के लिए काम आ सकता है, ठीक है। डेल्टा वाला पीटी पीटी भाई पता नहीं पीटी काम आएगा कि नहीं। पैरासोरस पैरासोरस डिलोपोस भाई डेल्टा वाला कोई खतरनाक डायनो ही नहीं है क्या? बियर बियर ऐसा कुछ थाइलो बिलो डेल्टा वाला मछलियाँ भाई, मछले को लेके जाओगे हमें भाई। बल्ब डॉग डेल्टा लैमेंटिया लैमेंटिया डेल्टा मछली डेल्टा रैप्टर भाई। मुझे बॉस फाइट के लिए कोई डायनो चाहिए, डेल्टा टाइटन भाई सांप से क्या उसको जकड़ लूँ क्या मैं? स्टेगो टाइटन नहीं है, टाइटन स्टेगो स्काउट है, स्टेगो है, बस खत्म भाई। स्काउट है डेल्टा एक्वाटिक मछला, तो कुछ तो मिल जाए यार अच्छे ढंग का। जेली फिश डेल्टा पैची पैची पता नहीं काम आएगा कि नहीं, मुझे पैची का पता नहीं का इस काम। एलोसोरस हाँ ये अच्छा डायरो, एलोसोरस पकड़ सकता हूँ 725 लेवल का है, ठीक है। और कैंगारू भी काफ़ी भाई, कैंगारू पकड़ लेंगे गाइज, डेल्टा कैंगारू से बॉस फाइट लेंगे हम लोग भाई, ठीक है। चलो आ जाओ गाइज, एटलीस्ट फाइनली एंड में जाके कोई तो ढंग के डायरो मिले। कार्नो भी है, थेरी भी है, पेगो भी है, ठीक है। कार्नो और थेरी भी है, ओए थाइलो कोलियो भी है भाई, लो लेवल है यार।
रुक जाओ, थाइलो लो लेवल है क्या? नहीं भाई, भाई 750 लेवल का डेल्टा थाइलो खोलियो है, अगर चाहे तो पकड़ सकता हूँ रेड वुड में जाके। गाइज मैं अगले एपिसोड में ना बॉस फाइट करने के लिए अल्फा बॉसेस है, डेल्टा बॉस है, जो भी होगा बॉस, उससे बॉस फाइट करने के लिए हम लोग जो है ना गाइज यहाँ पे डेल्टा वाले थाइलो को या तो डेल्टा वाले आलो को पकड़ने वाले। अभी बॉस फाइट क्यों करनी पता है? अगर आप लोग ध्यान से देखोगे अगले वाले किबल मुझे बनाने के लिए चाहिए होगा यहाँ पे, ये देखो अल्फा फ्रूट। ये अल्फा फ्रूट कहाँ से मिलेगा? हम लोग को मारना पड़ेगा डेल्टा वाले बॉस को। डेल्टा बॉस को मारूंगा तो अल्फा वाला मुझे जो है ना गाइस फ्रूट का सीड दे देगा। वो सीड लाना है मुझे अपने फार्म में, और फार्म में लाके यहाँ पे उसकी फार्मिंग कर लेनी है, और यहाँ से मुझे मिल जाएगा अल्फा फ्रूट। अभी आपको पता चल गया ये जगह हम लोग ने खाली क्यों रखी है? बॉस फाइट करने से जो सीड्स मिलेंगी वो हम लोग यहाँ पे प्लांट करेंगे। बाकी हमने जो प्लांट करे थे हाँ उससे भाई यहाँ पे एकदम मस्त बिकी जो ना गाइस वेजिटेबल वेजिटेबल भाई आना चालू, उगना चालू हो चुके हैं। बस बारिश जो ना गाइस वो हमारा साथ दे दें वरना प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ी सी। चलो कोई ना, अभी के लिए तो ये वाला जो हमारा एपिसोड है गाइस आर्क सर्वाइवल इवोल्व का, आर्क सुप्रीम का, वो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगला एपिसोड फर्स्ट बॉस फाइट वाला एपिसोड होने वाला है, एपिसोड नंबर 7 पे ही बॉस फाइट होगी अपनी। तो गाइस अगला एपिसोड बिल्कुल मिस नहीं करना। बाकी अगर आज का एपिसोड पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं गाइस सबसे अगले एपिसोड में आर्क सुप्रीम के, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे बाय लोग, मिलते हैं सीधा अगली वीडियो में, बाय बाय गाइस।